नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमआर न्यूज 24x7। मैं हूं आपके साथ शिखा अरोड़ा। हादसे में हुई 11 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विसर्जन के समय एक नाव पलट गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लापता हैं। लोगों को बचा लिया गया। जिन नाव में मूर्ति विसर्जन करने के लिए झील में उतारी गई थी, वह नाव काफी छोटी थी, जबकि मूर्ति काफी बड़ी थी। मूर्ति विसर्जन के लिए पानी में उतारने के दौरान नाव एक तरफ झुक गई और पलट गई। इस दौरान नाव में सवार श्रद्धालु मूर्ति के नीचे आ गए। अब तक 11 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, बाकी लापता लोगों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। राजस्थानी भोपाल में विसर्जन के समय एक नाव पलट गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, 5 लोगों को बचा लिया गया, जबकि अभी भी 2 लोगों की तलाश जारी है। ये हादसा भोपाल के मशहूर छोटी झील के खाटलापुरा घाट पर नाव पलटने से हुआ। नाव हादसे में नाव चलाने वाले नाविक आकाश बाथम एवं चंगू बाथम के खिलाफ थाना जहांगीराबाद में केस दर्ज किया गया। भोपाल हादसे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घटना के मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एक्शन की बात कही गई। खटलापुरा घाट के पास सुबह 4:30 बजे यह घटना हुई। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए 11 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया। जैसे ही हादसे का पता चला तो स्थानीय प्रशासन के साथ साथ SDRF की टीम भी लोगों का रेस्क्यू करने में लगी हुई थी। जिन लोगों की मौत हुई थी वह पिपलानी के 1100 क्वार्टर में रहने वाले थे। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन के लोग मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू का काम करना शुरू कर दिया। नमस्कार।